हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सैमसंग गैलेक्सी A73 5G का अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं। तो आइए इसका अनबॉक्सिंग हम लोग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो बात शेयर करना चाहता हूँ। इस फ़ोन को पहले ही इस बॉक्स से बाहर निकाला जा चुका है और इस फ़ोन को लगभग 2-3 घंटा इस्तेमाल करने के बाद मैं आप लोगों को इसे अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। एज यूजुअल ये 73 का फ़ोन है, तो यहाँ पे मुझे बाहर से ही चार्जर, कवर, बैक कवर, टेम्पर्ड ग्लास और कैमरा लेंस ये सब खरीदना पड़ा। अब मैं आप लोगों को इस फ़ोन के कुछ फीचर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो इस फ़ोन में हम लोग को मिलता है क्वाड कैमरा यानी कि 4 कैमरा। तो जो फर्स्ट कैमरा आता है वो 108 मेगापिक्सल का आता है, वो भी ब्लर फ्री। और फिर यहाँ पे सेकंड कैमरा है 12 मेगापिक्सल और तीसरा और चौथा जो है 5-5 मेगापिक्सल का है। और इस फोन का जो फ्रंट कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का। तो आइए अब हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। अब मैं आप लोगों को इस फोन का कुछ प्राइस के बारे में बता देना चाहता हूँ। अगर आप इसे फ्लिपकार्ट में सर्च करो आपको वहाँ पे लगभग 42K शो करेगा, लेकिन यहाँ पे एज यूजुअल यहाँ पे कवर, टेम्पर ग्लास और लेंसेज सब था। मुझे ये सब छोटे छोटे पार्ट्स बाय करके लगभग 45K का दाम पड़ा। तो जो इस फोन का कलर है वो है ऑसम मिंट। जब मैं इस फोन को बाय करा था तो वहाँ पे शो करा था वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, लेकिन जब मैंने फ़ोन को रिसीव किया, इसका ट्रायल तो अभी तक मैंने किया नहीं है, एज यूजुअल नया फ़ोन है तो ऐसा ट्राई को करता भी नहीं है। वाटर रेजिस्टेंस मुझे नहीं लगता कि कोई फर्स्ट अनबॉक्सिंग में इसे ट्रायल भी करेगा। तो इस बॉक्स के अंदर जो जो मुझे मिला वो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक केबल मिला जो टाइप सी टू सी था और यहाँ पे एक फ़ोन था, इजेक्शन पिन था, मैनुअल था, बस और कुछ नहीं। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा चार्जर दिखा देना चाहता हूँ। चार्जर का जो केबल आता है टाइप सी टू सी, उसका दिखा देना चाहता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अभी केबल को बाहर निकाल रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा केबल है वो है टाइप सी टू सी। आप लोग देख सकते हैं वाइट कलर का केबल है। और फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंजेक्शन पिन है जो कि केबल के कवर के ऊपर लगा हुआ था। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इस फ़ोन के साथ मैंने अलग से क्या क्या बाय किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जर है, केबल मुझे साथ में दिया गया था लेकिन चार्जर नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी मैं चार्जर को अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो चार्जर आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का चार्जर है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोन का कवर है जो कि ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल कवर है। और अभी आप लोगों को मैं टेम्पर ग्लास दिखाने वाला हूँ। तो टेम्पर ग्लास कैसे लगाया जाता है इसका शॉर्ट्स वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्पर ग्लास है और इसका जो लेंस आता है कैमरा का लेंस, मैं इसे पहले ही लगा चुका था फ़ोन में। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्पर ग्लास है और टेम्पर ग्लास का कवर कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डस्ट एब्जॉर्बर दिया गया है, इसे स्क्रीन पे इस्तेमाल करना है टेम्पर ग्लास लगाने से पहले। और फिर हम लोग देखते हैं और क्या क्या दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्पर ग्लास है और इस ग्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बाहर से अच्छे से रैप किया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ताकि ग्लास टूट ना जाए। और फिर हम लोग देखते हैं अंदर में। अंदर में यहाँ पे एक थैंक यू करके कुछ कार्ड दिया गया है और फिर अंदर में एक नोट्स दिया गया है। आइए एक नज़र हम लोग टेम्पर ग्लास पे डालते हैं या कैसा है वो, अंदर से एक मजबूत है भी या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वाइट कलर का जो थर्मोकोल का आता है उसे ग्लास को अच्छे से पैक किया गया है। अगर आप टेम्पर ग्लास का प्राइस पूछें तो इसका प्राइस लगभग 236 रुपीज़ है। जब मैंने टेम्पर ग्लास को चेक किया तो यह ग्लास फ्लेक्सिबल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह कितने अच्छे से कर्व हो जा रहा है। फ्लेक्सिबल और कर्व से हमें यह फ़ायदा है कि इससे फ़ोन हमारा प्रोटेक्टेड रहता है, इससे स्क्रैचेस और फ़ोन का जो स्क्रीन है उसे टूटने का चांसेस कम रहता है। आइए तो हम लोग फ़ोन को ऑन करते हैं। मैं जब फ़ोन को ऑन करा था तो लगभग 1 मिनट का समय लगा, तो इसीलिए अब मैं आप लोगों को वीडियो को थोड़ा स्पीड अप करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा जाए। अब जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ का लगभग 1 मिनट का वीडियो मैंने 9x के स्पीड में कर दिया था, इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि फ़ोन लगभग मेरा खुल गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो पूरा अच्छे से ओपन हो चुका है। अब आइए थोड़ा हम लोग कैमरा का टेस्टिंग करते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, उसके बाद फिर कैमरा का टेस्टिंग करते हैं ताकि अच्छे से आप लोग को देख सकें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैमरा को थोड़ा ऊपर ले आ रहा हूँ और मैं अच्छे से इसे मार्क कर ले रहा हूँ ताकि जो क्वालिटी वो अच्छे से इंक्रीज हो सके। और आप लोग देख सकते हैं कि कैमरा का क्वालिटी कैसा है। मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे
फोटो क्लिक करके भी दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फोटो क्लिक कर लिया है और आप लोग को क्वालिटी आप लोग को दिखाई होगा। अगर आप हमें पूछेंगे कि कैमरा का क्वालिटी कैसा है तो पता है मैं आप लोग को क्या रिप्लाई दूंगा, बकवास, घटिया एकदम पूरा। मैंने कुछ इमेजेस को क्लिक किया है तो मैं आप लोग को थोड़ी देर में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। और मैं इस फ़ोन के एक और फीचर आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि अधिकतर फ़ोन में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे पावर बटन हम लोग दबाते हैं तो फ़ोन ऑफ होने का जो ऑप्शन आता है वो आ जाता है, लेकिन इस फ़ोन में लगभग 10 से 15 सेकंड तक कंटिन्यूस प्रेस करने के बाद भी फ़ोन को बंद करने का ऑप्शन नहीं आता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं ऊपर की स्क्रॉल करता हूँ तो वहाँ पे पावर बटन दे रखा है फ़ोन को ऑफ करने के लिए। और अगर आप हमें पूछें कि इस फ़ोन का सबसे बढ़िया फीचर क्या लगा तो मैं आप लोग को साथ एक शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी एक व्हाट्सअप खोल रहा हूँ, व्हाट्सअप पे एक मुझे न्यूज़ है। सबसे पहले मैं ब्राइटनेस को कम कर ले रहा हूँ और मैं अभी थोड़ी देर में आप लोग को व्हाट्सअप में जो PDF है मैं इसे ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे जनरली गाइस यहाँ पे एक पॉपअप डिक्शनरी दिया गया है। पॉपअप डिक्शनरी में क्या होता है कि यहाँ पे जब PDF को ओपन करता हूँ और वहाँ पे अगर कोई वर्ड को हमें सेलेक्ट करना हो, अगर कोई वर्ड का अगर मीनिंग जानना हो तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग को डायरेक्ट सेलेक्ट करना है और वहाँ पे डिक्शनरी आ जाता है। डिक्शनरी पे डायरेक्ट क्लिक करने पे हमारे जो मीनिंग होता है वो यहाँ पे दिख जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रैंडमली अलग अलग वर्ड्स को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने डिक्शनरी पे क्लिक करके मुझे वर्ड का मीनिंग मिल जा रहा है। यहाँ पे एक जो मेन फीचर यह है कि अगर डाटा ऑन रहा या फिर डाटा ऑफ रहा फ़ोन का तो भी यहाँ पे हमें मीनिंग मिल जाता है इजिली। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं डाटा को ऑन कर रहा हूँ। डाटा को ऑन करने के बाद अभी मैं आप लोग को थोड़ा डिक्शनरी पेज में मतलब PDF में जाके मैं आप लोग को थोड़ा सेलेक्ट करके वर्ड को सेलेक्ट करके मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं थोड़ा PDF को जूम कर ले रहा हूँ और यहाँ पे एक वर्ड आया है, वर्ड को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर हम लोग डिक्शनरी में क्लिक करते हैं। डिक्शनरी में क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आप दिख जाता है। अभी मैं एक बार डाटा को ऑफ कर ले रहा हूँ और फिर हम लोग एक दूसरे वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी डिक्शनरी पे क्लिक करने के बाद वर्ड का जो मीनिंग है यहाँ पे शो कर देता है। गाइस आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं यह पिक्चर को मैंने डॉक्यूमेंट में शेयर किया था, लेकिन जब मैंने एडिट करने के लिए शुरू किया तो यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर लेट नहीं रहा था। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में कितना कितना MB का पिक्चर्स आया आप लोग देख सकते हैं। और फिर जो मेरा पास जो पहले से जो फ़ोन था आप लोग देख सकते हैं कि इस फ़ोन का पिक्चर का जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक एक पिक्चर यहाँ पे 33 MB का शो कर रहा है। इसीलिए अगर आप लोगों को बेस्ट कैमरे वाला फ़ोन लेना हो तो कभी भी आप पैसे पर नहीं जाइए। इस चैनल पर मेरा यह फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो था। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।